डिफरेंट क्लासेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डाई सेक्राइड्स फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ डाई सेक्राइडस सम काम डाई सेक्राइडस आइसोमर्स एंड द गैक्सोडिक बॉन्ड डाई सेक्राइड स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये सेकेंड क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की फर्स्ट क्लास पहली जो क्लास है वह हमारे पास है मोनोसाकराइड्स सेकेंड के ऊपर डाय सेक्राइड और थर्ड के ऊपर पोलीसैक्राइड्स डाई सेक्राइड नेम इज़ इंडिकेटिंग डाई का मतलब होता है टू सेक्राइड मीन शूगर्स दो जब मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करके एक मालिक्यूल बनाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज डाई सेक्राइड उसको हम डाई सेक्राइड का नाम देंगे दिस आल्सो डेफिनेशन वेन टू मोनोसक्राइड दे जॉइन टू इचर दे कम्बाइन टूगेदर दे फार्म अ डाई सेक्राइड मालिक्यूल डाई सेक्राइड की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड से इनकी प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं मोनोसेक्राइड्स के लिए हमने कहा था दे आर स्वीट इन टेस्ट तो डाई सेक्राइडस आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट लेकिन इसका स्वीटनेस थोड़ी सी कम होगी यानी कि डाई सेक्राइड की नस्बत मोनोसेक्राइड ज्यादा स्वीट हैं डाइसेक्राइड थोड़ी कम स्वीट हैं सेम इज़ द दर रेडी रेडली सॉल्युबल इन वाटर वाटर के अंदर मोनोसेक्राइड एंड डाई सेक्राइड दोनों सॉल्युबल हैं तो डाई सेक्राइड आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिस तरह से साल्ट या कोई भी इस तरह से प्योर चीज़ वाटर के अंदर नहीं होती तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है सिमिलरली डाई जो है वो भी क्रिस्टलाइन बनाते हैं इसकी बड़ी कॉमन एग्जाम्पल घर में जो हम शुगर यूज़ करते हैं चीनी सुक्रोज साइंटिफिकली इसको सुक्रोज कहते हैं तो सुक्रोज क्या डासेक्राइड है वो आप उसके क्रिस्टल जो है वो ऑब्जर्व करते हैं अच्छा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग डायसेक मोनोसेक्राइड सारे के सारे रिड्यूसिंग हैं डाई में सम ऑफ द डायसेक्राइड दे आर रिड्यूसिंग वाइल्स ऑफ द डाई दे आर नॉट रिड्यूसिंग जो हमारे पास बहुत कॉमन एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग डाई सेक्राइड्स की वो माल्टोज और लैकटोज हैं और नॉन रिड्यूसिंग की जो एग्ज़ाम्पल है वो है सुक्रोज, इसके अलावा भी कुछ डाई uh, मौजूद हैं चूंकि ये तीन जो है ज़्यादा फेमस हैं कॉमन है जनरल फार्मूला ऑफ डाई सेक्राइड्स डाई फार्मूला चीज़ सी एक्स एच टू ओ वाई ये थोड़ा सा वेरी करता है कि इसमें जो है वो uh, जैसे मीन्स के एक्स टू ओ वाई इसका जो कॉम्बिनेशन में जो है मालिक्यूल का रेशो कुछ और होगी कार्बन के रेशो जो है वो कुछ और हो सकती है इसमें जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि सुक्रोज का जो फार्मूला है सुक्रोज में जो है वो फार्मूला में अगर हम देखें तो उसमें जो है वो जो कार्बन की रेशो है वो सेम वही नहीं है जो मोनोसैक्राइड्स के अंदर मौजूद होती है सम कॉमन डाई सेक्राइड्स डाई सैक्राइड्स के एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देखते हैं जो कॉमन एग्जाम्पल हैं डाई की वो सुक्रोज द फर्स्ट वन लैक्टोज एंड द माल्टोज ये तीन क्योंकि बहुत कॉमन है इसके अलावा भी डाइक्राइड्स मौजूद हैं जिसकी एग्जाम्पल हमारा एलोलेक्टोज है एलोडेक्टोज के अलावा कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए लैक्टोलोज यूज़ की जाती है तो लैक्टोलोज और एलोलेक्टोज लैक्टोलोज जो है ये भी एक डाई है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए अक्सर डॉक्टर आजकल जो है वो पेशेंट को देते हैं जो जो है वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह दूर करती है उसके सुक्रोज़ को अगर हम देखते हैं सुक्रोज इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सब यूनिट फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जब कंबाइन करते हैं तो सुक्रोज बनती है सिमिलरली लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लैक्टोज एंड द गूकोज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज कंबाइन करेंगे तो लैक्टोज बनेगा माल्टोज़ के लिए अगर हम देखते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज सब यूनिट्स यानी कि माल्टोज दो सेम ग्लूकोज सब यूनिट्स मिलती हैं तो बनता है जबकि सुक्रोज और लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज और गलेक्टोज जो है पाए जाते हैं आइसोमेरिज्म आइसोमेजम वैसे एक डेफिनेशन आती है इसकी आप नॉर्मली अक्सर पढ़ेंगे इसको कि आइसोमर्स ऐसे मालिकुल्स को कहते हैं जिनका मेलेकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो इसको यहाँ हम डाइसैकेराइड के लिए अंदर स्पेशली इसलिए मैंशन कर रहे हैं जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं तमाम डाइसैकेराइड्स के अंदर अगर स्पेशली ये तीनों जो है सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है सी एच ट्वेंटी टू ओ अलेवन ठीक है सब का सेम फार्मूला है लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है स्ट्रक्चरली अगर हम इसको थोड़ा सा बैक साइड पर जाकर देखें तो यहाँ देखें सुक्रोज के स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट है सुक्रोज के अंदर एक सिक्स कॉर्नर है दो दूसरा फाइव कॉर्नर है लैक्टोज के अंदर दोनों सिक्स कॉर्नर जो है वो सब यूनिट्स मौजूद हैं माल्टोज के अंदर दोनों सिक्स कॉर्नर हैं लेकिन वो दोनों ग्लूकोज हैं अच्छा ये डिफरेंट होने के बावजूद सेम नंबर ऑफ एटम्स कैरी करते हैं ठीक है मालिकुलर फार्मूला जो है वो सेम है तो इसलिए हम कहते हैं ऑल द डाई सेक्राइड दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर वो सारे सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं उन सब का मेलेकुलर फार्मूला सेम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो मोनोसेक्राइड या जब भी कंबाइन करते हैं तो उनके दरम्यान जो नया बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कहते हैं तो बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड विच ज्वाइन विथ लिंक टू मोनोसाइक्राइड सब यूनिट अब क्योंकि डाइसैक्राइड में सिर्फ दो मोनोसाकराइड्स हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आमतौर पर अगर हम यहाँ इसमें डायग्राम में देखें तो हमारे पास ऊपर वाला डायग्राम जो येलोश में इंडिकेट है इसमें ब्राउन कलर के अंदर इसमें ये सुक्रोज का रिएक्शन बेसिकली शो कर लिया तो इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ग्लूकोज का कार्बन नंबर वन और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर टू जो कि रेड हाईलाइटेड हैं ये आपस में रिएक्शन करेंगे और इससे क्या होगा कि ग्लूकोज अपने कार्बन नंबर वन से और फ्रुक्टोज अपने नंबर कार्बन नंबर टू के थ्रू एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देंगे और चूंकि ये दो सब यूनिट्स इकट्ठी हो रही है इसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन जो इसमें वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा है इससे सेकेंड एग्जाम्पल माल्टोज है माल्टोज में दो ग्लूकोज सब यूनिट आपस पर लिंक होते हैं तो पहले ग्लूकोज का कार्बन नंबर वन और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर फोर आपस में रिएक्ट करते हैं कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर फोर तो वन और फोर जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन से दोनों कार्बन के दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है वैसे दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं और इस दौरान वाटर मालिक्यूल जो है वो रिलीज होता है तो अगेन इसको हम क्या कहेंगे इट इज़ आल्सो अ कंडेंसेशन रिएक्शन